लिबर ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस विशेषता और ऑटो करेक्ट विशेषता का इस्तेमाल करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे, फाइंड और रिप्लेस, स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जेएनयू लिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। चलिए अब राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस बटन के बारे में जानकर शुरू करते हैं। यह टेक्स्ट के लिए खोजता है और या पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बदलता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसके बारे में और अधिक जानते हैं। अतः सबसे पहले अपनी resume.odt फाइल खोलते हैं। अब एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करें। इसके बदले में स्टैंडर्ड टूल बार में बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स सर्च फॉर और एक रिप्लेस विद फील्ड में दिखता है। आप जिस टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं उसको सर्च फॉर फील्ड में प्रविष्ट करें। उदाहरण स्वरूप, हमें डॉक्यूमेंट में हर वो स्थान जहां रमेश लिखा है वो खोजना है, अतः सर्च फॉर फील्ड में रमेश टाइप करें। अब फाइंड ऑल पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हर वो स्थान जहां रमेश लिखा है वो चिन्हांकित हो गया है। आप इसे जिस टेक्स्ट से बदलना चाहते हैं उसे रिप्लेस विद फील्ड में लिखें। उदाहरण स्वरूप, हम अपने डॉक्यूमेंट में रमेश को मनीष से बदलना चाहते हैं, अतः हम रिप्लेस विद टैब में मनीष टाइप करते हैं। अब रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हर जगह रमेश मनीष से बदल चुका है। डायलॉग बॉक्स के बिल्कुल नीचे हम मोर ऑप्शंस बटन देखते हैं, इस पर क्लिक करें। मोर ऑप्शंस बटन में विशिष्ट फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस की एक सूची होती है। इसमें ऑप्शंस होते हैं जैसे बैकवर्ड्स, जो कि टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की ओर खोजता है, करंट सिलेक्शन ओनली, जो कि टेक्स्ट को टेक्स्ट के एक चुनित भाग में खोजता है। इसमें अन्य एडवांस्ड ऑप्शंस होते हैं जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस, सर्च फॉर स्टाइल्स और कुछ अन्य। यहां डायलॉग बॉक्स के दाईं ओर तीन अन्य ऑप्शंस हैं, यह है एट्रीब्यूट्स, फॉर्मेट और नो फॉर्मेट। यह उपयोगकर्ता को विविध प्रकार के एडवांस्ड फाइंड और रिप्लेस के ऑप्शंस प्रदान करता है। चलिए इसे बंद करते हैं। हम इनके बारे में और ज्यादा अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस विशेषता के बारे में सीखने के बाद हम अब सीखेंगे कि लिबर ऑफिस राइटर में स्पेल चेक का इस्तेमाल करके वर्तनी कैसे जांचें। स्पेल चेक का उपयोग पूरे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के चुनित भाग में वर्तनी त्रुटियों को जांचने के लिए किया जाता है। स्पेल चेक कर्सर की वर्तमान स्थिति से शुरू होता है और डॉक्यूमेंट या चुनित भाग के अंत तक बढ़ता है। आप फिर डॉक्यूमेंट के प्रारंभ से वर्तनी जांच जारी रख सकते हैं। स्पेल चेक शब्दों में वर्तनी त्रुटियों को देखता है और आपको एक अज्ञात शब्द को उपयोगकर्ता के शब्दकोश में जोड़ने का ऑप्शन देता है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे लागू होता है। प्रत्येक भाषा के लिए स्पेल चेक विशेषता भिन्न होती है। उदाहरण स्वरूप, मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑप्शंस पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो दिखाई देता है उसमें लैंग्वेज सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें और अंत में लैंग्वेजेस पर क्लिक करें। यूजर इंटरफेस ऑप्शन के अंदर यह सुनिश्चित कर लें कि डिफॉल्ट ऑप्शन इंग्लिश यूएसए निर्धारित है। उसके नीचे लोकेल सेटिंग फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर इंग्लिश यूएसए ऑप्शन पर क्लिक करें। अब डिफॉल्ट लैंग्वेजेस फॉर डॉक्यूमेंट्स हेडिंग के अंदर वेस्टर्न फील्ड में डिफॉल्ट भाषा इंग्लिश इंडिया निर्धारित है। क्योंकि संभवतः इंग्लिश इंडिया के पास वो शब्दकोश ना हो जिसकी अपेक्षा स्पेल चेक को है, हम भाषा को इंग्लिश यूएसए में बदल देंगे। अतः वेस्टर्न फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और इंग्लिश यूएसए ऑप्शन पर क्लिक करें। अंततः ओके बटन पर क्लिक करें। अतः अब हम देखने के लिए तैयार हैं कि कैसे स्पेल चेक विशेषता इंग्लिश यूएसए भाषा के लिए कार्य करती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर विशेषता को इस्तेमाल करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि ऑटो स्पेल चेक ऑप्शन सक्षम है। अतः टूल बार में ऑटो स्पेल चेक बटन पर क्लिक करते हैं यदि यह इनेबल नहीं है। अपनी resume.odt फाइल के अंदर मदर्स ऑक्यूपेशन में हम वाक्य में
housewife के लिए housewife गलत वर्तनी टाइप करेंगे और स्पेस बार दबाएं। आप देख सकते हैं कि गलत शब्द के ठीक नीचे एक लाल रेखा प्रदर्शित होती है। अब कर्सर को शब्द housewife पर रखें और स्टैंडर्ड टूल बार में स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकॉन पर क्लिक करें। अतः हम शब्द को नॉट इन डिक्शनरी फील्ड में देख सकते हैं। गलत वर्तनी का शब्द लाल में चिन्हांकित हुआ है और यहां सजेशंस बॉक्स में सही शब्द के लिए अनेक सुझाव दिए हैं जहां से आप सही शब्द चुन सकते हैं। सजेशन बॉक्स में शब्द housewife पर क्लिक करें और फिर चेंज बटन पर क्लिक करें। छोटा सा डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है इसमें ओके पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में अब सही वर्तनी प्रदर्शित हो रही है। चलिए बदलावों को अंडू करते हैं। चलिए अब एक और ऑटो करेक्ट नामक स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में सीखते हैं। ऑटो करेक्ट विशेषता स्पेल चेक का एक्सटेंशन है। ऑटो करेक्ट मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो में मिलता है। जैसे ऑप्शंस आप निर्धारित करते हैं उसके अनुसार ऑटो करेक्ट अपने आप से फाइल को फॉर्मेट करता है। यह ऑप्शंस ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करके चुने जाते हैं। ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ऑटो करेक्ट विशेषता अपने आप से जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उसे सही करता है। ऑप्शंस टैब में जैसे आप ऑप्शंस चुनते हैं उसी के अनुसार सुधार होते हैं। यहां पर अनेक ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं जैसे डिलीट स्पेसेस एट द एंड एंड बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ, इग्नोर डबल स्पेसेस और कई अन्य। अतः चलिए एक उदाहरण के साथ देखते हैं कि वे कार्य कैसे करते हैं। अपनी रिज्यूम फाइल में हम कुछ स्थानों पर शब्दों के बीच सिंगल स्पेस और अन्य स्थानों पर शब्दों के बीच डबल और ट्रिपल स्पेस टाइप करेंगे। अब पूरे टेक्स्ट को चुनें। मेन्यू बार में फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑटो करेक्ट पर क्लिक करें और अंततः सब मेन्यू में ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करें। ऑप्शंस टैब पर क्लिक करें। अब इग्नोर डबल स्पेसेस को चुनें और ओके बटन पर क्लिक करें। अगला टेक्स्ट जो आप टाइप करेंगे आपको अपने शब्दों के बीच डबल स्पेस रखने की अनुमति नहीं देगा। चलिए कर्सर को मनीष नाम के आगे रखते हैं। अब कीबोर्ड पर स्पेस बार दो बार दबाएं। आप देख सकते हैं कि कर्सर केवल एक स्थान बढ़ा है और टेक्स्ट में दो डबल स्पेस की अनुमति नहीं दे रहा है। एक सिंगल स्पेस के बाद कुल नाम टाइप करें कुमार। ऑटो करेक्ट में एक शब्द को या एक संक्षिप्तीकरण को अधिक सार्थक या लंबे टेक्स्ट के साथ बदलने का सामर्थ्य भी है। यह लंबे शब्दों के लिए संक्षिप्त रूप बनाकर टाइपिंग करने की मेहनत को बचाता है। उदाहरण स्वरूप हमारी resume.odt फाइल में कुछ शब्दों के समूह या शब्द हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट में बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। उन वाक्यों या शब्दों को बार बार टाइप करना जटिल हो सकता है। चलिए मानिए कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट दिस इज अ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बार बार टाइप करना चाहते हैं। तब हम एक संक्षिप्तीकरण बना सकते हैं जो कि सीधे हमारे आवश्यक टेक्स्ट में बदल जाएगा। अतः चलिए देखते हैं कि कैसे एक संक्षिप्तीकरण जैसे STP अपने आप ही स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट में बदलता है। अब मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर जाएं और फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें रिप्लेस टैब पर क्लिक करें। जांचिए कि हमारी चुनित भाषा इंग्लिश USA है। अब रिप्लेस फील्ड में चलिए संक्षिप्तीकरण जिसे हम बदलना चाहते हैं STP टाइप करते हैं। विद फील्ड में हम बदला हुआ टेक्स्ट स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टाइप करते हैं। डायलॉग बॉक्स में न्यू बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यह बदलाव सूची में प्रविष्ट हो गया है। अब ओके बटन पर क्लिक करें। अब जैसे ही हम टेक्स्ट लिखते हैं दिस इज अ STP और स्पेस बार दबाते हैं आप देखेंगे कि STP संक्षिप्तीकरण स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट में बदला जा चुका है। यह विशेषता बहुत ही लाभदायक है जब एक ही टेक्स्ट किसी डॉक्यूमेंट में कई बार दोहराया जाता है। चलिए बदलावों को अंडू करते हैं। अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं।
संक्षेप में हमने इनके बारे में सीखा है फाइंड एंड रिप्लेस स्पेल चेक ऑटो करेक्ट व्यापक नियत कार्य राइटर में निम्न टेक्स्ट लिखें दिस इज अ न्यू डॉक्यूमेंट द डॉक्यूमेंट डील्स विद फाइंड एंड रिप्लेस अब अपने टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट शब्द को खोजें और फाइल शब्द से बदलें अपने डॉक्यूमेंट में शब्द टेक्स्ट को वर्तनी txt से बदलिए टेक्स्ट में वर्तनी को सही करने के लिए स्पेल चेक विशेषता का इस्तेमाल करें इंग्लिश यूएसए को अपनी डिफॉल्ट भाषा के रूप में इस्तेमाल करें ऑटो करेक्ट विशेषता का इस्तेमाल करके दिस इज लिबर ऑफिस राइटर टेक्स्ट के लिए एक संक्षिप्तीकरण TLW बनाएं और इसका कार्यान्वयन देखें निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो को देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद